सात समुंदर परवा से मोर यरवा अहरे सखिया यरवा अहरे सखिया अबिदा करावे निरहु मोर जोड़ी दरवा अहरे सखिया। हनुमान जी हुए, राम जी हुए, या कोई भी भगवान हुए, ये सारे भगवान हम सब हिंदुओं के, इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो फिल्म की शुरुआत होने जा रही है, निरहुआ चला लंदन और हनुमान की गली में, इन दोनों फिल्मों के जो निर्माता हैं हमारे राम बाबू जी, और जो इसके निर्देशक हैं वो हमारे सोनू भाई खत्री जी हैं, जिन्होंने पहले मुझे लेके फिल्म बनाई थी निरहुआ चला लंदन। और अब उन्होंने कहा कि जहाँ वो फिल्म पहुँची थी, अब उसके आगे की कहानी टू में बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, चलिए बनाते हैं। तो उसकी आज शुरुआत हुई है, आप सब आए हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और हमारे राजकुमार पांडे सर आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ में, इनका आशीर्वाद प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। और इनके साथ मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मुन्ना भैया हैं, देव जी हैं, और कुंदन जी हैं। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाने में सफल हों। मैं भी हूँ। आप भी हो जी? हाँ। और आम्रपाली दुबे जी, जो निरहुआ चला लंदन में हीरोइन थी, और इनके पिताजी लेके चले गए इनको लंदन, और फिर मैं पहुंच तो गया हूँ, अब वहाँ से लेके कैसे आऊँगा, यही है हमारी फिल्म की कहानी, है ना सोनू भाई? तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, अब उसको पार करके। और आम्रपाली जी बड़ा अच्छा उसमें एक गाना गाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आम्रपाली जी वही दो लाइन सुना दें जो आप अपने सहेलियों के साथ में लंदन में गाती हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। वहाँ तो छठ भी मना दिया है। हाँ हाँ, लंदन में जाके थेम्स नदी पे छठ पूजा करके आई हूँ मैं। गाना ना जी। याद नहीं है मुझे। सात समुंदर। सात समुंदर परवा से मोर यरवा अहरे सखिया यरवा अहरे सखिया अबिदा करावे निरहु मोर जोड़ी दरवा अहरे सखिया। और सीतामढ़ी से सज के कुल्ही देवरवा अहरे सखिया देवरवा अहरे सखिया अगोंडा जिला से राजकुमार भसुरवा अहरे सखिया। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जितने मतलब हमारे ज़िले हैं, और जितने यूपी बिहार से लेके मुंबई तक, और मुंबई का भी कोई एक भिवंडी से, हाँ भिवंडी का भी जिक्र उसमें रखा गया है। तो बड़ा अच्छा गाना है, बन के तैयार भी है, यहाँ कुछ है नहीं, नहीं तो मैं लगवा देता तो आप लोग सुन भी लेते। पार्ट टू का शूट लंदन में करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्ट वन बनाया था उसमें मैं लंदन जाता हूँ इनको लाने के लिए, और जहाँ पे एयरपोर्ट तक कहानी पहुँची थी वापस लेके आने के, अब वहाँ से जो जर्नी है वापस आने की, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं इनके पिताजी खड़ा करेंगे वहाँ, तो उसी को पार करना है और लेके आना है इनको सात समुंदर पार। जी, आम्रपाली जी, आप क्या कहना चाहती हैं दोनों फिल्मों के लिए, निरहुआ चला लंदन पार्ट टू और दूसरी फिल्म बनवा दी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनू जी के साथ जब पहले हमने फिल्म की थी निरहुआ चला लंदन, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जब अच्छी फिल्म बनती रहती है तो उसी टाइम शूटिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है, तो हम सब बहुत ही पॉजिटिव थे उस फिल्म की शूट को लेकर। और इस बार फिर मुझे वैसी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है दोनों ही फिल्मों को लेकर, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग द फिल्म्स वेरी सून। एक
दिनेश भाई, पिछली फिल्म में जो निर्वाचन लंदन थी, सोनू खत्री साहब उसमें निर्माता की भूमिका में थे, जी। फिल्म में निर्देशक की भूमिका में होंगे, इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिल्म निर्वाचन लंदन थी वैसी ही फिल्म बनेगी निर्वाचन लंदन 2 या उससे बेहतर? मुझे लगता है उससे भी बेहतर बनेगी, क्योंकि जो हमारे सोनू खत्री भाई हैं, इनके साथ जो मैंने काम किया है, जो मेरा अनुभव है इनके साथ, मतलब पहली बार भोजपुरी में मुझे ले करके और चार चार दिन, पांच पांच दिन एक एक गाने की शूटिंग ये कर रहे थे और जा करके नेपाल में, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ये कर क्या रहे हो आप, मतलब लंदन वाले भी दोनों गाने, हाँ, तीन तीन दिन, तीन तीन, हाँ। दिन मैं बोला भोजपुरी में तो एक ही दिन में बोलते हैं कि दो गाना कर दो, आप चार चार दिन गाने कर रहे हो। बहुत बढ़िया इन्होंने फिल्म आया था और दिल से फिल्म बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि सोनू भाई को जब निर्देशक की जिम्मेदारी मिल गई है तो अब इनका काम और बढ़ गया है। तो अभी इन्होंने चिंटू पांडे जी के साथ जो फिल्म बनाई थी वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ट्रेलर भी आया था तो हम लोगों ने देखा था, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाया था इन्होंने। तो सच कहूँ तो उसी फिल्म को देखकर मुझे थोड़ा एज डायरेक्टर इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि निर्माता तो हैं ही पर निर्देशक भी अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी। पिछली फिल्म में आपका बड़ा फेमस डायलॉग था कि जो आप कहते हैं कि हाँ मेरा ही नाम निरहुआ है और ये मेरे दिल की रानी है, मैं चारों तरफ से महारानी को ही बगा रहा हूँ, जी आपको याद होगा, हाँ बेटा हमारे नाम निरहुआ, हम अपने पे आ जाएं तो इंग्लैंड के महारानी के लेके भाग जाएं, ये तो हमारे दिल का रानी है। ये शानदार था, ये जबरदस्त था, हाँ ये आइकॉनिक डायलॉग था। दिनेश भाई, जब एक फिल्म जो कि बढ़िया बनती है तो उसका पार्ट 2 बनता है, ये हम सब जानते हैं। निर्वाचन लंदन के बाद पार्ट 2 जब एक फिल्म बनने जा रही है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी महसूस भी हो रही है। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमेशा सेकेंड पार्ट में ज्यादा होती ही है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद होती है जब वो फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उनको जितना आनंद आता है, उनको जितना अच्छा लगता है, वो उम्मीद लगा लेते हैं कि जब हम सेकेंड पार्ट देखने जाएंगे तो हमको उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम लोगों ने लगभग अब तक जितनी इस तरह की फिल्में की है उसमें मेहनत करके, कोशिश करके, और बाकी ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से जो भी पार्ट 1 के बाद 2 बनाया तो उससे बेहतर ही बनी है, चाहे वो निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हो, चाहे निरहुआ रिक्शा वाला 2 हो, चाहे निरहुआ चलल ससुराल 2 हो, और अब ये बनने जा रही है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये भी हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगी, उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। जी आम्रपाली जी, जब निरहुआ चलल लंदन फिर से, निरहुआ चलल लंदन 2 मतलब फिर से जा रहे हैं निरहुआ जी, आपने कहा नहीं कि चलो पेरिस चले जाए, न्यूयॉर्क चले जाए, लंदन भी बार बार घूम जाए? नहीं, वहाँ हम लोग घूमने चले जाएंगे, पिक्चर लंदन वाली हिट है तो लंदन ही चल के बनाओ। पिक्चर हिट होनी चाहिए भाई, उसके पैसे से जाके सब सारे देश घूम लेंगे हम। और उसमें ये भी था ना कि लास्ट तो जो एयरपोर्ट पे ही हम लोग वाइंड अप किए हाँ। थे और वहीं से फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, तो उसके लिए लंदन ही जाना पड़ेगा। निर्वाल लंदन फिर से कब जा रहे हैं, कब शूट हो रही है फिल्म? ये फिल्म हम लोग, मैं तो पहुंच जाऊंगा मई में, लेकिन हमारे जो सोनू भाई हैं उसके बाद आएंगे, क्योंकि एक फिल्म और वहाँ हम बना रहे हैं, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, जिसके मंजुल ठाकुर डायरेक्टर हैं, उसके 3 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट हम लोग लंदन में कर रहे हैं, और उसके बाद ये हमारे सोनू भाई आ जाएंगे और फिर ये फिल्म शुरू करेंगे हम। सबसे खास बात तो यही है कि आज हमारे जो निर्माता हैं राम बाबू भैया, इनका जन्मदिन है और इसीलिए हम लोगों ने आज का दिन चुना था कि आज ही के दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा फिल्म का। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूं राम भैया को, और मैं आप लोग सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपनी शुभकामना दीजिए ताकि इनके जन्मदिन के दिन जो शुरुआत हुई है वो धमाकेदार हो, शानदार हो और खूब सफल हो। सर, हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। फिल्में तो भैया ने बहुत सारी बनाया, बहुत सारी फिल्मों में जुड़े रहे, लेकिन अब पूरी तरह से निर्माण में उतर गए हैं राम भैया। फिल्म अच्छी बनेगी, बस इतना ही बोला। वाह वाह सर, सर काम करने में विश्वास रखते हैं, बातें करने में नहीं। जी सर, पर कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि फिल्म अच्छी बनेगी, और अगर एक निर्माता
अच्छी फिल्म बनाने की नीयत से फिल्म बना दें तो निश्चित रूप से फिर फिल्म अच्छी ही बनती है। अच्छा, ये क्या है? आज का सवाल है जी, हनुमान चालीसा जैसा मूवी बन रहा है, इस तरीके से वाराणसी का राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसके बाद में इसका बीजेपी को और फायदा हो सकता है क्या? क्योंकि फिल्म में भी और राम मंदिर सब भावनिक है, उसके वजह से इसका उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा हो सकता है क्या? हनुमान की गली जी। और बनारस को कहा जाता है कि गलियों का शहर है, और आप जिस गली में जाएंगे उस गली में एक भगवान मिल जाएंगे। कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं अन्नपूर्णा देवी हैं, काशी विश्वनाथ है ही, तो मुझे लगता है कि वहाँ ये बेस्ट लोकेशन था हम लोगों के लिए। वन सेकेंड। हाँ, हनुमान जी हुए, राम जी हुए, या कोई भी भगवान हुए, ये सारे भगवान हम सब हिंदुओं के, इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो हम एक अगर कभी नाम भी रखते, आई डोंट नो द फिल्म इज धार्मिक नो, बट अगर धार्मिक नाम भी रखा जाए किसी फिल्म का, तो वो धर्म के लिए है, किसी पार्टी के लिए कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। प्लीज आप लोग धर्म और पार्टी को कोलाइड करना आप छोड़ दीजिए। आप सही बात है हिंदुत्ववादी कहती है, राष्ट्र भाजप हिंदुत्ववादी कहती है, क्योंकि ये दोनों अलायंस टूटे हैं महाराष्ट्र में, और उसके बाद में यूपी में शिवसेना और भाजप लड़ना ही जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस भावनिक के ऊपर भी यूपी का इलेक्शन थोड़ा हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगा, और वो है कि कोरोना काल में लोगों की जो मदद हुई है, आज भी वहाँ राशन सबके घर में बांटा जा रहा है और वो मार्च तक चलने वाला है, मतलब जिस तरह से सरकार ने उनकी मदद किया है वही काम करेगा। बाकी ये सब धर्म जाति ये सब कोई चीज़ काम करने वाला नहीं है, काम करेगा सिर्फ जो लोगों की मदद हुई है, लोगों का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतने सारे जो सड़कों का जाल बिछा है, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है, ये सब चीज़ें जो है काम करेगी। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।